महाभारत में पहली बार पेश किए गए विष्णु के एकमात्र महिला अवतार को मोहिनी के नाम से जाना जाता था। किंवदंतियों का कहना है कि वो समुद्र मंथन के दौरान सबसे महत्वपूर्ण पात्र थी, जिसमें उन्होंने असुरों से अमृता प्राप्त की और देवताओं को उन्हें अमर बनाने के लिए दे दी। एक जादूगरनी के रूप में चित्रित मोहिनी दिल को मोह लेने वाली असुरों और देवों को मदहोश करने के लिए अपने कौशल के लिए जानी जाती है। वो इतनी आकर्षक थी कि शिव भी उनके सौंदर्य के दीवाने थे। भगवान विष्णु के नाम पर विष्णु रॉक्स, जिन्हें विष्णु चिस्ट या विश्व बेसमेंट रॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, ग्रैंड कैनियन में ज्वालामुखी तलछट है। ग्रैंड कैनियन क्षेत्र में उजागर सभी शुरुआती प्रोटेरोजाइक क्रिस्टलीय चट्टानों पे लिए विश्व बेसमेंट रॉक्स नाम की सिफारिश की गई है। ग्रैंड कैनियन सुपर ग्रुप के अंकार समूह के बास चूना पत्थर और टोरंटो समूह के टिप के सैंडस्टोन के आधार पर क्रिस्टलीय तहखाने की चट्टाने बनाते हैं। इन तहखाने की चट्टानों को या तो विश्व कॉम्प्लेक्स या विश्व मेटामॉर्फिक कॉम्प्लेक्स भी कहा गया है। किंवदंतियों में कहा गया है कि भगवान विष्णु को ब्रह्मांड के महासागर में एक सर्पशैया पर लेटे हुए दर्शाया गया है, जैसा कि वो योग निद्रा में योगों से लक्ष्मी के साथ अधिशेष नामक इस हजार सिर वाले नाग पर लगे हुए हैं। उनकी पत्नी भगवान को अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं। जब विष्णु जागे तो उनके पेट से एक कमल का फूल निकला और बाद में जब उसका फूल खिल गया तो उसने भगवान ब्रह्मा को जन्म दिया। भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु को देखा, भगवान को सम्मान दिया और फिर भगवान विष्णु के आशीर्वाद से रचनात्मक प्रक्रिया शुरू की और दुनिया का निर्माण किया। भगवान शिव का तीसरा नेत्र उनके माथे पर है जो हमेशा बंद रहता है। उनका तीसरा नेत्र खुलने का सीधा सा मतलब उनके क्रोध से है। क्रोधवश ही उनका तीसरा नेत्र खुलता है। कुछ भक्तों में ये जिज्ञासा है कि शिव अपने शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ मृग चर्म हिरण की खाल लपेटे और भस्म लगाए बताया गया है, क्योंकि भस्म शिव का प्रमुख वस्त्र भी है, क्योंकि उनका पूरा शरीर ही भस्म से ढका रहता है। शिव का भस्म रमाने के पीछे कुछ वैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक कारण भी हैं। भस्म की एक विशेषता होती है कि ये शरीर के रोम छिद्रों को बंद कर देती है। इसका मुख्य गुण है कि इसको शरीर पर लगाने से गर्मी में गर्मी और सर्दी में सर्दी नहीं लगती है। दोस्तों, और भी अननोन फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और जुड़े रहिए हमसे लगातार डेली अपडेट्स के लिए। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए और स्ट्रे एनिमल्स को फीड कराना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं चलती हूँ, हर हर शंभू।